क्लैश ऑफ क्लैंस का बिगेस्ट इवेंट हैमर जैम तो गेम में आ चुका है, लेकिन ये बिगेस्ट इवेंट तभी है जब आप इसको एक्चुअली में यूज करोगे। तो बल्कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से मैक्सिमम आप लोग यहाँ पे इससे भाई बेनिफिट ले सकते हो। आज मैं आपको अपने बेस में लाइव एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ भाई क्या एक्चुअली में हैमर जैम का बेस्ट यूज होता है। तो हमारे क्लैन गेम के रिवॉर्ड्स भी आ चुके हैं, इस पे भी आएंगे, बट इससे पहले हैमर जैम में यहाँ पर होता है भाई साहब 50% का कॉस्ट रिडक्शन। कहीं पर भी टाइम रिडक्शन मेंशन नहीं आप देखना, तो 50% का कॉस्ट रिडक्शन एक्चुअली बहुत हेल्प करता है, पर टाइम रिडक्शन अगर होता तो फिर ये एक्चुअल में भाई एक हैक जैसा निकल जाता भाई। पर ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे मैंने एक बड़ा डिफेंस लगा दिया 14 डेज ले रहा है, तब तक तो हैमर जैम चला भी जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपना एक दो बिल्डर फ्री रखो, मैंने यहाँ पर दो बिल्डर फ्री रखे हैं। और मैं करने क्या बोला आप देखो भाई, मेरे पास जितनी भी कल से लूट आ रही है, मैंने जब से एक दो बिल्डर फ्री रखे हैं, जो भी लूट आती है मैं वॉल पर डाल देता हूँ। इससे क्या होता है भाई, यहाँ पे वॉल जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर कॉस्टली चीज होती है। अगर आप विदाउट हैमर जैम के चेक करोगे तो यही सेम वॉल आपकी यहाँ पे 6 या 7 मिलियन की अपग्रेड होगी, पर मेरे पास 70% का बूस्ट है, 20% गोल्ड पास का और 50% यहाँ पे अपना हैमर जैम का। तो हम लोग क्लैन गेम से पहले तो रिवॉर्ड कलेक्ट करेंगे यार, जो हम लोग को यहाँ पे जरूरत है अभी अपग्रेड वगैरह करने के लिए। यहाँ से गोल्ड लेते हैं, यहाँ से एलिक्सर लेते हैं, यहाँ से जेम्स लेते हैं और यहाँ से हम ये ले लेते हैं सुपर पोशन, नहीं बिल्डर पोशन। बिल्डर पोशन मेरे पास ऑलरेडी 5 है तो रहने देते हैं। एंड यहाँ पे इतना हम लोग ले लेते हैं रिवॉर्ड, लास्ट में हम लोग ले लेते हैं रून बिकॉज हमारे पास बुक ऑफ फाइटिंग ऑलरेडी है। फर्स्ट वाले टीयर से जेम्स ले लेते हैं, तो इन रिवॉर्ड्स को भाई साहब कलेक्ट कर लेते हैं भाई। यहाँ पे मैं 50 जेम्स ले लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, 50 जेम्स ऑफकोर्स वर्थ इट रहेगा, 2.8 मिलियन गोल्ड से एलेक्सर से अच्छा। एंड अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, हमारे पास जो यहाँ पे एक्स्ट्रा एलेक्सर आया है, एलेक्सर का भी मुझे कुछ जरूरत नहीं है, लेबोरेटरी मेरी खाली पड़ी है, पर मैं उसको वहाँ पे डार्क लिग्जर्स का एक ट्रूप को अपग्रेड करूंगा, तो फिलहाल उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। हमारे पास जितनी भी लूट है देखो भाई, सिर्फ 1.6 मिलियन में गोल्ड अपग्रेड कर रही है वॉल, 1.6 मिलियन गोल्ड में पूरी वॉल अपग्रेड हो रही है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है हैमर जैम को यूज़ करने का अपने मैक्सिमम, मतलब जैसे मेरे पास अभी एक और बिल्डर बिजी कर सकता हूँ मैं, फिर मेरे पास यहाँ पे एक बिल्डर बचेगा और उस एक बिल्डर के साथ जितनी भी मेरे पास लूट आएगी मैं सब कुछ ऐसे इन्वेस्ट करते रहूँगा। एंड इस तरीके से भाई मेरी वॉल्स जो हैं एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा इनको मैक्स करने की बिफोर हैमर जैम इवेंट एंड्स। ये टोटली डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है, वैसे तो आप लोग क्लैन गेम की रिवॉर्ड से कर ही लोगे, फिर जब लूट खत्म हो जाएगी तो क्या करना है, फिर इसके बाद आपको ये करना है कि आपको अपना यहाँ पर ट्रेनिंग पोशन सिलेक्ट करना है। ट्रेनिंग पोशन आपको दिन में एक ट्रेनिंग पोशन अगर आप यूज़ कर लेते हो तो भी आपके पास आधा स्टोरेज अपना पूरा भर सकते हो, इतनी लूट तो आई जाएगी। तो ट्रेनिंग पोशन यूज़ करके आपको यहाँ पर फार्मिंग करना स्टार्ट करना है। फार्मिंग के लिए आप लोग स्नेकी गॉब्लिन बेस्ट ट्रूप है उनको ले सकते हो, तो अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम भी है कम से कम तो आप इसमें भी फार्मिंग कर सकते हो। अब फिलहाल मेरे पास लूट थोड़ी कम पड़ गई है, तो हम लोग अपने डार्क एलिक्सर को यूज़ करने वाले हैं, रून ऑफ एलिक्सर, सॉरी डार्क एलिक्सर से वॉल अपग्रेड नहीं होती, मैं भूल गया था, यहाँ से रून ऑफ एलिक्सर यूज़ करते हैं गाइज। एंड अब बची हुई वॉल्स को भी अपग्रेड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस हैमर जैम के एंड होने से पहले जितना हम लोग यहाँ पे अपने रून्स यूज़ करेंगे वो डेफिनेटली वर्थ इट रहेंगे, क्योंकि यही वॉल्स भाई हैमर जैम के बाद कितनी महंगी पड़ेंगी आप सोच सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर ये इसमें टाइम नहीं लगता, मेन चीज़ ये है गाइस, बिकॉज जो बाकी आप बिल्डिंग्स अपग्रेड करोगे उसमें आप मुश्किल से मुश्किल कितनी बिल्डिंग अपग्रेड कर लोगे, अगर आप इतने बड़े बड़े अपग्रेड करो विजार्ड टावर जैसे, तो इसमें आपको डेफिनेटली कॉस्ट का फायदा मिलेगा, 50% ऑफ होगा। पर हायर टीएच में आप लोग मुश्किल से मुश्किल 6 विजार्ड टावर अपग्रेड कर लोगे अगर आपके पास 6 बिल्डर भी हैं, क्योंकि एक विजार्ड टावर 14 डेज ले रहा है और बड़े डिफेंस तो इससे ज़्यादा लेंगे जैसे मोनोलिथ वगैरह हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको भी अपग्रेड लगाओ, लेकिन एक बिल्डर हमेशा फ्री रखो, जैसे आप मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी ऐसे करो, सब लोग यही करते हैं। एंड काफ़ी सही चीज़ है हैमर जैम को यूज़ करने की। एंड फिलहाल हम लोग के पास अभी बहुत एलेक्सर है, रुको यहाँ से स्टार्ट करते हैं वॉल्स को अपग्रेड करना। एंड अब हमारा 2.8 मिलियन लगना स्टार्ट हो गया है, तो ये कंपेरेटिवली अगर आप विदाउट हैमर जैम देखो तो लिटरली ये वॉल भाई 7 मिलियन 6 मिलियन से कम में नहीं हो सकती है, 7 मिलियन तक जाती है वॉल, तो कितना फायदा हो रहा है भाई आप देख ही सकते हो। एंड अब देखो मेरे पास लूट खत्म है, अब मैं लगाऊंगा अपना ट्रेनिंग पोशन और ट्रेनिंग पोशन लगा के करूंगा मैं भाई साहब फार्मिंग, और वो चीज़ काफ़ी बोरिंग होती है तो मैं वीडियो में उसे इंक्लूड नहीं करूंगा कि आपको मैं अपनी फार्मिंग दिखाऊं। फार्मिंग सब यार अपना अपना करते हैं, दिखाना जरूरी नहीं, आपको पता ही है फार्मिंग करना बहुत सिंपल है। ट्रेनिंग पोशन लगाओ, यहाँ से अपना स्नेकी गॉब्लिन और वॉल ब्रेकर अनलॉक करो। स्नेकी गॉब्लिन के साथ यहाँ पर आप एक चीज़ ये कर सकते हो, अगर आपको ट्रॉफीज नहीं लूज करनी है तो आप लोग यहाँ पे हर बार यहाँ पे ये सीसी लेके जाओ और अपना अटैक करते टाइम टीएच निकाल के 1 स्टार कर लिया करो, तो आपकी ट्रॉफी भी माइनस नहीं होगी। अगर आपको ट्रॉफी की टेंशन नहीं है भाई लोअर लीग पर चले जाओ, वहाँ पे डेटाबेस भी मिलते हैं, और अगर आपको मतलब टाइटन लीग जाना, टाइटन लीग पे बोनस ज़्यादा मिलता है, स्टार बोनस जो होता है, तो आप उसके लिए टाइटन लीग भी जा सकते हो बिकॉज उसके लिए आपको स्टार बोनस ज़्यादा मिलेगा ऑब्वियसली। तो गाइस ये थी अपनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने आपको यहाँ पे लाइव एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्लैशिंग,
पीस आउट, जय हिंद। और वेल गाइस, इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ और वीडियोस आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी दोनों साइड पे, तो इनको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यार यहाँ पे अपना सेकंड चैनल भी है, तो सेकंड चैनल को भी देख सकते हो एंड वहां पे भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक लेकिन क्लैशिंग, पीस आउट, जय हिंद।